CCN News 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, इस वक्त मेरे साथ सूबेदार वीर सिंह चौहान जी मौजूद हैं और जैसा कि आप जानते हैं, लगातार 36 दिनों से भारत की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे पूर्व सैनिकों का धरना हो रहा है। आज 36वां दिन है। एक बार जान लेते हैं सरकार की तरफ से क्या कार्यवाही की गई है इनके लिए। सबसे पहले सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आपके चैनल को पूरा देश देखे, मेरी कामनाएं आपको। अभी तक सर 36वां दिन है आज धरने का। जी जी। सरकार का कोई नुमाइंदा आया है आपकी मांगे सुनने? जी बेटा, बहुत दुखी मन से मुझे कहना पड़ता है कि चंद कदमों की दूरी पर हमारी यहाँ सरकार बैठती है। जी जी। देश का सिंहासन यहाँ से चलता है और ये फौजी भाई देश की सीमाओं के रणबांकुरे, सर्दों के प्रहरी, देश के लिए मर मिटने वाले फौजी भाई, गरीब किसान मजदूर का बेटा पिछले 36 दिन से यहाँ पर बैठे हैं। आप खुद देख रहे हैं, आप डेली आते हैं, लगभग हमारी आवाज़ पूरे देश में जन जन तक पहुंचाते हैं। मैं तो सलाम करता हूं बेटा आप लोगों को, कम से कम आप तो हैं। इस देश की मेन मीडिया का तो ख़त्म हो चुका है। मैं कहता हूं मेन मीडिया को तो अगर चुल्लू भर पानी हो तो डूब के मर जाना चाहिए, दलाली की हद होती है। तो आज बड़ी दुखी आत्मा के दलाली कर रही है सरकार की करती है, और बेटा किसकी करती है मुझे कहने में क्या कोई गुरेज नहीं। मतलब इतना आदमी को नहीं डूबना चाहिए। मीडिया को चौथा स्तंभ कहते हैं। चौथा स्तंभ होता था पहले की मीडिया होती थी, सरकार के अच्छे कामों की तारीफ भी करती थी और बुरे कामों का विरोध करती थी, सरकार को रोकने का काम करती थी। जैसे गाड़ी के अंदर ब्रेक होता है, ब्रेक गाड़ी अगर ओवर स्पीड हो जाती है तो उसको रोकने का काम करती है ब्रेक, उसी प्रकार से मीडिया एक किस्म से ब्रेक का काम करती थी। और ब्रेक जो है आज बिल्कुल जीरो हो चुका है, फेल हो चुका है, मीडिया ने अपना रोल ख़त्म कर दिया है। बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ता है। मैं इतना ही कहूँगा कि यहाँ पर 36 दिन से धरना चल रहा है, लेकिन आज तक सरकार ने कोई सुध बुध नहीं ली है, ना कोई उनका नुमाइंदा आया है, ना कोई बात रखी है। तो कुल मिलाकर के ये सोचते हैं कि ये तो कीड़े मकोड़े बैठे हैं, ये तो भेड़ बकरियाँ बैठी हैं, यानी कि अहंकार, इतना अहंकार सिर चढ़ के बोल रहे हैं। मैं मोदी साहब से आपसे अपील करता हूँ, मोदी साहब ये वही सैनिक हैं, रिवाड़ी के अंदर 5 लाख सैनिकों ने शिरकत की थी, मत भूलिए। इन्हीं सैनिकों की बदौलत आप सिंहासन पर बैठे हैं, देश के सिंहासन पर। आपको तो सैनिकों के सामने नतमस्तक होना चाहिए। आप खाली ड्रामा करते हैं साहब, आप दिवाली पर सिर्फ ये वर्दी पहन करके वहाँ जा करके काला चश्मा पहन के और एक फौजी वाली हैट लगा करके दिवाली मनाने जाते हैं, ये ड्रामा है मोदी साहब। सब जान चुके हैं, देश का फौजी बच्चा जान चुका है, देश का फौजी तो जान ही चुका है। इस ड्रामे से काम नहीं चलेगा। हमारा किसी सरकार से कोई सरोकार नहीं है, ना हम कांग्रेस के हैं, ना हम किसी अन्य पार्टी के हैं और ना हम बीजेपी के हैं। सैनिक देश का होता है, हमारा काम है देश की रक्षा करना, हमारा कर्म और धर्म होता है देश की रक्षा करना, और हम बखूबी निभा के आए हैं। हम लोगों ने पूरी जवानी सीमाओं पर दी है, एक नादान उम्र में जाता है एक बच्चा और पूरी जवानी देश की सीमाओं पर लगा के आ जाता है, और जब आते हैं तो यहाँ पता चलता है कि हमारा हक ही नहीं मिला। जी जी। तो कुल मिला करके मैं तो ये कहूँगा कि मोदी साहब विचार करिए, सुन लीजिए इन सैनिकों को, अन्यथा 2024 नज़दीक है, कहीं ये ना हो कि आपकी सरकार के ताबूत में आखिरी के लिए फौजी ठोकने का काम करें। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जो है वो कहते हैं कि ORP 2 जो है सक्सेसफुली लागू हो चुकी है सैनिकों के बीच। आज आप बताइए, क्या ये सैनिक पागल कुत्ते ने काट रखे इन सैनिकों को? ये सैनिक लाखों के सैनिक में तादाद में यहाँ पर आ रखे हैं, आप देखिए नारे लग रहे हैं, पूरा दिखाइए, मूवमेंट दिखाइए, पूरे दिखाइए, ये देखिए, ये सैनिक पागल तो कुत्ते ने काट नहीं रखे, हिंदुस्तान के पूरे कोने कोने से आ रखे हैं, हर स्टेट से आ रखे हैं, इतने सैनिक आ रखे हैं, पूरा यहाँ पर मूवमेंट चल रहा है पिछले 36 दिन से, और ये कह रहे हैं हमने दे दिया। चलो मैं एक आदमी हो सकता, मैं किसी पार्टी का चाटुकार हो सकता हूँ, चलो मैं मान लिया, लेकिन ये इतने तो सारे नहीं हो सकते, ये तो मूर्ख नहीं हो सकते। तो कुल मिलाकर के ये बात करना बंद करें कि हमने दे दिया है, आपने दिया है, लेकिन आपने खाली 3% जो हमारे अधिकारी हैं उनको तो मिल गया, लेकिन जो जवान, जो गरीब किसान का मजदूर का ही बेटा होता ज़्यादातर, उस गरीब किसान मजदूर के बेटे की हम देखिए कि 97% सेना में जवान जैसे हैं, उनको तो एक पैसा नहीं मिला। इसीलिए आज पूरा 36 दिन से यहाँ आज डेली यहाँ पर जंतर मंत्र पा रहे हैं, ये यहाँ पर जो संख्या है वो रिस्ट्रिक्टेड है, यहाँ पर ज़्यादा की परमिशन नहीं है, सिर्फ 100 आदमी की परमिशन है, 100 आदमी डेली आ रहे हैं यहाँ पर। और हमने 3 तारीख को पूरे हिंदुस्तान में एक कॉल दी है कि 3 तारीख से मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ पूरे देश के प्यारे सैनिक भाइयों, 3 तारीख को अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज
इकट्ठे हो करके अपने डीएम महोदय को ज्ञापन सौंपना है। उस ज्ञापन का हमने जो प्रारूप है वो हमने भेज रखा आपको लिंक पे, आप उसको जो है प्रिंट आउट लेकर के अपने ज्ञापन सौंपिए डीएम साहब को। हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर एक जलजला आ जाना चाहिए, जलजला पता लगना चाहिए। हिंदुस्तान का एक एक सैनिक जाग चुका है, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ चुका है। मैं अपील करता हूं और 3 तारीख के बाद में भी यदि सरकार ने संज्ञान नहीं लिया, यहां पर आए बैठे हुए सैनिकों के साथ में कमेटी के साथ में यदि आकर के बात नहीं की तो ये सैनिक उसके बाद कुछ बड़ा ऐलान करेंगे। 2024 नज़दीक है, हम रावण की नाभि में तीर मारना जानते हैं। जब तक रावण की नाभि में तीर नहीं लगता तो रावण नहीं मरता, क्योंकि आप रावण रूपी हो चुके हैं। आपके अंदर अहंकार इतना आ चुका है कि 36 दिन से सैनिक यहाँ पर भूखे प्यासे बैठे हैं। आप संज्ञान लेने के लिए किसी छोटे मोटे अंतरी मंत्री को भेज देते, बात करता भाई तुम्हारी क्या डिमांड है, क्या तुम्हारी तकलीफ है, सुनता यहाँ पर, हम बताते अपनी दुख रोते, लेकिन कोई नहीं आया। ये अहंकार बहुत भारी पड़ेगा मोदी साहब, ये फौजी हैं, चुनौती देंगे, चिंता मत करिए। कहते ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, हमारा कोई ध्यान नहीं था कि आपके खिलाफ बोलना, बीजेपी के खिलाफ बोलना या किसी पार्टी के खिलाफ बोलना, लेकिन आप लोग हमें इसके लिए ये जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आपकी गलती होगी, हमारी कोई गलती नहीं। सैनिक सच्चा देशभक्त सैनिक है, आप नकली हो सकते हैं, नकली देशभक्त नहीं होते बेटा, कुछ भी हो चौकीदार तो असली हमें देश के, वो चौकीदार है आप बताइए, वो तो प्रधानमंत्री हैं, खाली चौकीदार बोल के जनता को भ्रमित करने का काम ना करें। असली चौकीदार तो देश की चौकीदारी फौजी करते हैं, फौजी है असली चौकीदार, तो वो चौकीदार थोड़ी है। लेकिन हमने देख लिया है कि बाहरी ताकतों से तो हम देश को सुरक्षित रखते हैं, बाहर से तो हमने कवच जैसे मजबूत बना रखे हैं, इंटरनली मेरा देश आज मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। आज देश के अंदर जो नेता हैं सिर्फ व्यापार करने आते हैं, ये व्यापार का तो प्लेटफार्म नहीं है राजनीति, राजनीति सेवा का प्लेटफार्म है। पहले के वक्त में जो नेता होते थे, मैं सलाम करता हूँ नेताओं को जिन्होंने वाकई समाज सेवा की है। आज के वक्त में जितने भी नेता हैं अपना घर भरने के लिए आते हैं, पैसा कमाने आते हैं, राजनीति सेवा का प्लेटफार्म है, पूरा देश जाग चुका है। आने वाला वक्त ऐसा नहीं रहेगा, लंका में जो हाल हुआ वही हाल यहाँ पर भी होगा बेटा, देख लेना, ये एक संत की वाणी है। संत और सैनिक में कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि सच्चाई जो है वहाँ पर हम लोग सीख के आते हैं, वही सच्चाई से हम यहाँ पर बात रख रहे हैं। 30-30 साल की सीमाओं की शर्तों की तपस्या होती है, वही तपस्या हमारी बोल रही है, भावना बोल रही है, कोई हमारे अंदर शातिरता नहीं है। सभी को जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ता हूँ, 8368002355 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। यदि किसी सैनिक भाई को या किसी देशवासी भाई को मेरी बात ठीक लगी हो तो कॉन्टैक्ट करिए, मिशन बनाएंगे, मिशन बनाएंगे। सभी को जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।